या बातमीचे प्रायोजक आहेत ममता रेडिमेंट सोलापूर। प्रभाग क्रमांक 21 मध्ये नगरोत्थान निधीतून माजी पालकमंत्री दत्तात्रय मामा भरणे साहेब, कार्यसम्राट नगरसेवक तौफिक भाई उर्फ पैलवान शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगरसेविका सौतस्लीम इरफान शेख यांच्या नगरोत्थान निधीतून 7.5 लाख रुपयांचा निधी सहारा नगर भाग 2 व 3 मध्ये सानिया किरण दुकान ते मदिना चौकापर्यंत काँक्रिटीकरण रस्त्याचं व यापूर्वी नगरसेवक तौफिक शेख उर्फ पैलवान यांच्या भांडवली निधीतून 6 इंची पाण्याचे पाईपलाईन टाकण्यात आले। सदरहू रस्त्याचं उद्घाटन प्रभागातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या हस्ते करण्यात आलं। यावेळी प्रमुख उपस्थिती सौ वाहिदा शेख, आग्नी शेख, इस्माईल शिलेदार, बशीर नागोर, मेहबूब शेख, मंजूर आलम सर, साजिद शेख, पठाण चाचा, जुल्फिकार कोपेकर, मेहबूब मुल्ला, नासर शेख, मौलाली शेख, कासिम हजी साहब, रफीक इनामदार, वसीम वस्ताद, मशाक नाईकवाडी, अशफाक भाई, इकबाल कोरबू, आसिफ राजे, नूरुद्दीन मुल्ला, जुबेर इनामदार, नवीलाल पेंटर, पप्पू शेख, अकिल नाईकवाडी, जावेद जेडी, मोहसिन दारूवाले, असलम शेख, कॉन्ट्रॅक्टर मुकीम चौधरी, सैफू मणियार, सुफियान शेख यांच्यासह प्रभागातील नागरिक मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहून नगरसेवकांचे सत्कार करून समाधान व्यक्त केले। आभार इरफान भाई शेख यांनी मानले। आज जुना प्रभाग क्रमांक 21 नवीन प्रभाग अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, तो इधर सारा भाग नंबर 2/3 में इशातुल मस्जिद इमान मस्जिद के पास सानिया किरान दुकान से मदीना चौक तक का जो कॉन्क्रीट रस्ते का इब्तदा अभी हुई है, ऐसे में जाहिर करता हूँ। और ये जो बजट है, हमारे साथी इरफान भाई, वहीदा आपा, मुल्ला साहब, अबू बकर सैयद, हम सब ने मिलकर कोशिश कर भरने मामा माजी पालक मंत्री इनके पास से हमारे इरफान का ज़्यादा पार्ट पूरा हुआ है, तो इसमें सब लोग की मेहनत है, कोशिश है, तो सब यहाँ के लोगों की जमात वालों की जिम्मेदारी की हमारी मांगनी थी कि पानी का मसला बहुत बड़ा था, तकरीबन आज 2.5 साल हुआ, 3 साल वारेगा, तो मैं हमारे तमाम जिम्मेदारों से माफ़ी चाहूँगा कि पानी का मसला देर से हल हुआ, क्योंकि कुछ टेक्निकल अड़चन थे, ये आप सब लोग को मालूम है। लेकिन हुआ नहीं सर, टेक्निकल से कोई अड़चन थे सर, कुछ मसला हमारे जोन ऑफिस में, हेड ऑफिस में काम रुका हुआ था, टेक्निकल अड़चन थी, फिर हम सब लोगों ने उसे जोन ऑफिस में, हेड ऑफिस में पार्ट पूरा कर असिस्टेंट कमिश्नर पास, कमिश्नर पास करके जो पार्ट पूरा, जो पानी का मसला हल हुआ, और यहाँ से जो मदीना चौक में जो 10 इंची पाइपलाइन है उसे 6 इंची पाइपलाइन जोड़कर आगे यहाँ तक आधा 6 इंची हुआ, बाकी 4 इंची हुआ। हमारे लोगों को समाधान है, खुशी है, और उसके बाद जो कांग्रेस रास्ता पालक मंत्री साहब का है, 7.5 लाख का रास्ता है, ये आप सब लोग की मेहनत है, दुआ है। मैं तो कहूँगा हमारे अशफाक भाई, मुल्ला साहब, हमारे गनी भाई ने जो बताया, तो मैं सिर्फ छोटी बात ये कहूँगा, ये हमारा फर्ज था, मैं किसी पर एहसान नहीं किया। आप लोगों ने जो मतदान करके हमें चुन कर दिया था, जो आप लोगों का काम करना, खिदमत करना, ये हमारा फ़र्ज है। अल्लाह ताला को डर कर हम ये काम करते हैं, काम को अंजाम देते हैं, और एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, सब लोग की दुआ साथ जद्दोजहद मेहनत कोशिश होने पड़ती है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे तमाम इस वार्ड के लोग हो, सहारा बाग के रहेंदे, नई जिंदगी बाग के रहेंदे, सभी लोगों की दुआ है, साथ है, करने ली जात अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला इंसान को जरिया बनाता है, और मुझे खुशी है इस बात की कि हम जरिया बने आप लोगों की खिदमत करने का। बस आप लोगों से जिस तरह मुल्ला साहब ने बताया, इलेक्शन के दौरान बहुत से लोग आएंगे, दिशाबुल करेंगे, नवीन नवीन लोग आएंगे, आप सब लोग साहब समझदार है, बुजुर्ग है, अच्छे है, पढ़े लिखे लोग है, आप समझ सकते हैं कौन इंसान काम कर सकता है, कौन आपके सुख दुख में आ सकता है। बस आप लोग किसी के बहकाए में ना आते हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी व्यक्ति का नहीं, पार्टी का नहीं, क्योंकि आप सब लोग समझदार अच्छे लोग हैं। सिर्फ जो इंसान अपने काम में आने वाला है, काम करने वाला है, सुख दुख में आने वाला है, उस इंसान को आप साथ दो, दुआ दो, और तमाम लोग यहाँ के हमारे असर की नमाज के बाद जिम्मेदार लोग यहाँ पर आकर रुके, अपने कीमती वक्त दिए। मैं मेरे तमाम टीम की तरफ से, हमारे साथी की तरफ से आप लोग का तहे दिल से जो शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह आज इब्तिदा हो रही है, कल या परसों इंशाल्लाह फास्ट काम हो जाएगा, और आप सब लोग दुआ कीजिए, इलेक्शन का वक्त भी अनकरीब है। बस आप सब लोग अपने तमाम साथियों को सिर्फ ये बताओ कि पार्टियां बहुत सी आएंगी जाएंगी, सिर्फ हमें जो इंसान काम करता है, अपने काम में आता है, उसे हम दुआ देना है, मतदान करना, इतना कहिए, शुक्रिया, खुदा हाफिज। आज यहाँ पे सहारा भाग 3 इशातुल ईमान मस्जिद के सामने 2/3 सहारा 2/3 सब इशातुल ईमान के सब जिम्मेदार, और हमारे काशिमा जी साहब, तौफिक पहलवान जी, इरफान जी शेख, वहीदा आपा, और हमारे मंजूर सर, अशफाक सर, मुश्ताक भाई, और सभी जिम्मेदार, और यहाँ के सभी आए हुए आशिफ राजे शेख, नबीलाल पेंटर, इरफान, हमारे वसीम भाई, और सहारा के मोहसिन भाई, सभी जिम्मेदार, आज यहाँ पे सभी के कोशिश से, तौफिक पहलवान इनके प्रयत्न से,
नगरोत्थान में से माजी पालक मंत्री दत्ता मामा भरने 20, 21, 21, 22 साढ़े सात लाख का रास्ता यहाँ पे होने जा रहा है। उसकी इब्तदा आज सब आपके सबके सामने आज इब्तदा होने जा रही है। अल्लाह ताला इसको कबूल करे। और इससे पहले यहाँ पे पाइपलाइन का भी काम हो चुका है, तकरीबन पिछले हफ्ते यहाँ पर पाइपलाइन का भी काम हो चुका है। सिद्धेश्वर एक ते भाग 5 सभी रोड, सभी ड्रेनेज, पाइपलाइन, सभी काम मुकम्मल 80% फाइनल हो चुके हैं। सहारा भाग 1, 2, 3 ब्रह्मदेव नगर, अंबेडकर नगर, लोकमान्य नगर से लेकर साईनाथ नगर का मेजर आनंद नगर का पूरे 1 से 3 लाख के मेजोरिटी 80 से 90 लाख के रस्ते वाहिदा आपा हो, इरफान शेख साहब हो, हमारे पहलवान साहब के नेतृत्व में मेजोरिटी 1.5 करोड़ के रस्ते कंप्लीट 80% फाइनल हो चुके हैं। 20 से 25% काम अभी बाकी है, अधूरा है। वरना क्यों कि 6 से 7 महीने हुआ, अभी प्रशासन का भाग है, नगर शोक पद का फाइनल मतलब जो टाइम है वो खत्म हो चुका है और कार्यकाल खत्म होने की वजह से आज महापालिका में प्रशासन है तो आज इनके हाथ में फंड नहीं है। ये फंड बिफोर पालक मंत्री के माध्यम से, राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से, तौफीक पहलवान और ये सभी नगर शोक इनके प्रयत्न से यहाँ जो आया था वो फंड अपन एक एक टप्पे में ये काम करने जा रहे हैं। तो आने वाले समय में भी हम काम को अंजाम देते हुए जो जो लोग काम करे हुए हैं, ये काम करने वाले लोग कौन है और ढोंग करने वाले लोग कौन है, इसका जायजा रखते हुए, ये नजर रखते हुए, कौम कौम ना करते हुए काम का अंदाज लेकर काम करने वाले के पीछे हमारी जिम्मेदारी है। जो काम करता है उसको पेमेंट देना जरूरी है, दुआ देना जरूरी है। जो कामच करता नहीं और पेमेंट मांगने आता है तो हम नहीं दे सकते। तो इसके लिए मेरे आप सब जिम्मेदार हैं, आप सब जानकार हैं, सब लोग क्वालिफाइड हैं। किसी भी भूल भुलैया में न जाते हुए, जज्बात में न जाते हुए, दीन का मामला अलग, काम का मामला अलग, महापालिका के माध्यम से काम करते वक्त महापालिका में और राज्य में प्रशासन होना चाहिए और वहाँ जाकर झगड़ कर लाने की कैपेसिटी होना चाहिए। और ये कैपेसिटी एक विधानसभा का आमदार नेतृत्व करने वाला आदमी आप लोग को नगर शोक बोलकर मिले, ये तुम्हारा हमारा भाग्य है। तौफीक पहलवान की ऊंची नगर शोक पूर्ति मर्यादित नहीं है। तौफीक पहलवान ये नेतृत्व मध्य सोलापुर में 38,000 मतदान लिए नेतृत्व है, ये आमदार लेवल का नेतृत्व है। महाराष्ट्र के सदन में धड़क देने की ताकत है, शरद पवार संगठ कन्विंस करने की ताकत है, पालक मंत्री साहब कन्विंस करने की ताकत है और तुम्हारी ताकत इनके पीछे है, बोलकर इनकी ताकत वहाँ है। अगर तुम इनका साथ देंगे तो इनकी ताकत डबल हो जाएंगी, अगर तुम साथ देना कम करेंगे तो इनकी ताकत में कम मुझे इजाफा कम हो जाएगा। इसके लिए आने वाले समय में ये आदमी यहाँ पे मर्यादित न कोई अपने को, नगर शोक पद तो इनके लिए कोई बात नहीं, नगर शोक पद तो तुम करने वाले, नगर शोक को इनको दुआ देने वाले, इसमें कोई शक नहीं। मगर ये विधानसभा का नेतृत्व देखिए आने वाले समय में मुस्लिम समाज बोलकर, एक धड़ाड़ी का कार्यकर्ता बोलकर, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस, शिवसेना, महाविकास आघाड़ी का सरकार है, एक तरफ जातिवादी सरकार है, जातिवादी सरकार को एकत्रित आने वाले सरकार में एक विधानसभा में नेतृत्व हमारे में से कैसा जाएगा। तो ये शुरुआत है महापालिका का इलेक्शन, ये नांदी है। ये महापालिका के इलेक्शन में हम अगर इनकी ताकत को बढ़ावा देंगे, प्रभाग क्रमांक 34 हो, प्रभाग क्रमांक 37 हो, प्रभाग क्रमांक 32 हो, मुझे हदवाड़ में मेजोरिटी और सोलापुर शहर में 5-25 टिकट राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से पहलवान पूजी को मिलेंगे। तुम्हें सहारापुर तो मर्यादित नहीं है, नई जिंदगी पुरता तुम मर्यादित लोग नहीं है, तुम्हारा जो वलय है, तुम्हारा जो रिलेशन है सोलापुर के हर वार्ड में है, हर नगर में तुम्हारा रिलेशन है। ये रिलेशन का वापर पहलवान के जहाँ जहाँ नुमाइंदे रहेंगे, पहलवान के जहाँ जहाँ सीट रहेंगे, वो सीट के खातर अपने को काम करना है। ये वार्ड में तो तुम्हारे चारों सीट के वास्ते पहलवान जो बोलेंगे तुम करने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा काम है। लेकिन इसके बजाय पहलवान की ताकत अगर विधानसभा में शरद पवार के सामने महाराष्ट्र के सदन में जाना है तो सोलापुर में 5 से 15 सीट पहलवान के विचार के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के विचार के जाना जरूरी है। वरना मुस्लिम का जो नेतृत्व है वो मुस्लिम का नेतृत्व सोलापुर समाज में आज सब तरफ से देखने का एक ही जरिया है। आज हमारे में नेतृत्व शिल्लक नहीं है, एक धड़ाड़ी का नेतृत्व है, 17-17 तास काम करने वाला ये नेतृत्व है। तो ये नेतृत्व को ताकत देना तुम्हारा हमारा काम है। तो बाहर के कुछ लोग आएंगे चुकी की पद्धति दिशा भूल करेंगे तो इसमें हम न फंसते हुए आज देखो मेजोरिटी तुम पूरे प्रभाग में, मैं बोलता बोलकर मत सुनो, हमारे पास एजेंडा है, महापालिका का रिकॉर्ड है, कॉन्ट्रैक्टर सामने है, पटेल साहब हमारे जेई सामने है, यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड करो, माहिती के आदमी आप बुद्धिवादी लोग हैं, मैं बोलता बोलकर मत सुनो, जोन में इनके पत्र डालो, इनके नाम से, इनके नाम से, इनके नाम से, ये प्रभाग के लिए इनका फंड कितना आया और कितना काम मार्गी लगे, दिशा बोल का काम नहीं है, काम मार्ग पर लगे हुए 80% काम मार्गी हो चुके हैं, 20% बाकी है, ये 20% तो पूरा होंगे और आने वाले समय में कुछ अधूरे स्वप्न पूरा करने के लिए इनका चैनल, इनका प्रभाग, इनके माध्यम के लोग
महापालिका में जाना जरूरी है, वरना चुकी के लोग विदाउट अभ्यासु लोग अगर महापालिका में गएंगे तो आने वाले समय में हम ना कुछ भी हमारे हाथ को लगने वाला नहीं और 5 साल अपने को तकलीफ भी करना पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह ज़्यादा मैं आपका वक्त लेता नहीं, तो आज ये जो रोड होने जा रहा है मैं सभी मोहल्ले वाले के जानिब से पहलवान जी का दिल के गहराई से स्वागत करता हूँ। अल्लाह ताला इनके हाथों से हमेशा हमेशा समाज तुम आगे बढ़ो, हम समाज के हित में काम हो, समाज के फला महबूदी का काम हो, विकास का काम इनके माध्यम से हो, इस तरह से अल्लाह ताला इनके हाथों से काम ले, इस तरह की दुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वार्ड में सभी रास्ते तो हो गए, नो डाउट, जैसा मुल्ला साहब बोले कि 80% हो गया, मैं इस रस्ती की अहमियत ये है, अल्लाह के घर के आने वालों की इज्जत तौफीक भाई की है, तो हमें यकीन है अल्लाह के घर को आने वाली की इज्जत जब तौफीक भाई की है तो तौफीक भाई की इज्जत अल्लाह बढ़ाएंगे, ये उम्मीद करके मेरी अपनी बात को ख़त्म करते हैं। आज आप सारा भाग 2 और 3 में इशातुल ईमान मस्जिद के जो गली है यहाँ से लेकर सारा मल्टीपर्पज हॉल से लेकर सानिया किरान दुकान तक, इससे पहले हमारे मार्गदर्शक तौफीक भाई शेख इनके बजट में से पानी की लाइन डाले, दूसरे नगर सेवक तस्नीम शेख इनके नगरोत्थान निधि में से यहाँ पर वाहिद आपा की कोशिश से हमारे नूरुद्दीन मुल्ला साहब है, काशिम भाई साहब है, इनके सबकी मेहनत की वजह से आज यहाँ पर ये रास्ते का ओपनिंग हुआ है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, यहाँ पर रास्ते, ड्रेनेज, पानी, ये सब हम काम करेंगे। तौफीक भाई शेख इनके माध्यम से आने वाले वक्त में जो कुछ भी आधे अधूरे काम है इंशाल्लाह पूरे करेंगे। आप सभी यहाँ पर आए, तमाम मस्जिद के और इस भाग के जिम्मेदार सीनियर लोग, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। टोपी पहलवान जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह हमारे दिल के साथ कर रहे हैं, हम पूरा उनके साथ देंगे बोल के इंशाल्लाह कोशिश करते हैं, इरादा करते हैं। ये रोड मेन रोड है हमारे मस्जिद की, सबका गुजारी जैसे रोड से ज़्यादा होता है, और माशाल्लाह मदीना चौक में जाना तो हर नाना ही रोड से ज़्यादा है, कई पारी था तो चिक्कड़ बहुत होता, और बार बार में तकाजा रखे थे भी इंशाल्लाह होंगे होंगे बोलते बोलते बहुत लेट हुआ, मतलब ये बाकी बहुत ज़्यादा जो रही हमारे सब साथियाँ मिल के, तो भी बोलने के बाद हमारे गनी भाई बोले ना मैं पीछे लगे काम कर लेता इंशाल्लाह, काम जैसा फिक्र लेने के बाद ये काम भी अच्छा हुआ, रास्ता भी नल भी अच्छा, बहुत नीचे पानी भी बहुत कम आता था, हमारे भाजी को पानी नहीं था, नल है मगर वो टोटी देने के पानी में ऐसा जार लगे करते थे, माशाल्लाह भी पानी भी अच्छा हुआ, नल भी अच्छा, रोड भी अच्छा हुआ, और सबकी दुआओं की बरकत से, तो भी मेहनत से, और ये सारी ग्रुप एक हो गया, हमारे वजापा हैं, हमारे इरफा में हमारे भाजी साहब, तो बाकी सभी कमेटी हमारे मुल्ला सभी फिक्रों को लेकर काम को अंजाम दिए, अल्लाह इनको जजा कर दे, हम सब मिलकर इनकी इंशाल्लाह इनको दुआ दिए, अल्लाह इनको दुनिया में चमकाए। सहारा नगर भाग 1, 2, 3 यहाँ पर जो इशातुल ईमान मस्जिद है, यहाँ पर नमाज को जाने के लिए जो लोग नमाजी हैं और आने जाने वाले सब लोगों को ये बारिश के पानी से आने जाने का रास्ता नहीं था, बहुत लोगों को परेशानी थी, इतनी परेशानी थी यहाँ से हमको ऐसा महसूस होता था कि हम खेड़े में पैदा हैं क्या, शहर में रहते हुए भी ऐसा इतना महसूस होता था, फिर कभी कभी हम अपने आप कोसते थे क्या हम इतने बदनसीब हैं, रास्ते पर यहाँ सीधा रास्ता नहीं है, तो हम क्या सोचे कि तौफीक को जाकर बोले मेंबर साहब करो ये काम, यहाँ रास्ता कम से कम मस्जिद है इस बात का ख्याल रखते हुए भी रोड बनाओ, तो तौफीक मेंबर ने ताबड़तोब इसका कुछ भी विचार नहीं करते हुए उन्होंने फैसला किया कि मैं इंशाल्लाह जरूर यहाँ पर पानी की लाइन भी डालूंगा और यहाँ पर तुम्हारे वो रोड भी अच्छा बना कर दूंगा, मस्जिद है सामने, ये मेरे को भी जहन में है, मुझे भी ख्याल है, ये बात का उन्होंने ख्याल रखते हुए ताबड़तोब ऐसा धड़ाड़ी का कार्यकर्ता बारिश के चिकड़ में ऐसा यहाँ से आकर दिखाया लोगों को, यानी मैं जो तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूँ, यानी आम जो जनता भी कर रही वो मैं भी करता हूँ, ये उन्होंने बताए और उसका हम कुछ ताबड़तोब काम चालू करके यहाँ पर हमारे को पानी की लाइन भी दी है और उसके बाद रास्ते का भी काम चालू करिए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह उन्हें कामयाबी दे, यही हमारी दिली आरजू है। तौफीक मियाँ हमारे लिए कुछ नए नए हैं, तौफीक मियाँ को इस वार्ड से यानी सहारा के जितने भी वार्ड हैं जो भी काम उनको बोला गया, परसों ही मैं उनको बोला कि भाई हमारे ये लाइन में चारों सब तरफ लाइट बंद है, तो फौरन 2-3 घंटे के अंदर लाइट सब तरफ चालू हो गए। ये शख्स ऐसा है, आमदार लेवल का शख्स है, और हमारी की हम तकदीर वाले हैं कि हमको ऐसा शख्स हमारे तकदीर में मिला और ये तमाम काम करके बताने वालों में से है, मंत्री आश्वासन वाले नहीं है, ये काम करके बताने वाले हैं, और मैं हमेशा तौफीक मियां को एक बोलता हूँ कि भाई ये वार्ड में मुसलमान उतने जागरूक नहीं है,
हमारा एक काम है कि तौफीक मियां एक टीम बनाओ और जो जो घर में लड़के 18 साल के हैं जो वोटिंग के लायक है उनके नाम तुम मेहनत करके दर्ज कराओ। वोटिंग बढ़ेगी तो हमारी ताकत भी बढ़ेगी, हमारी ताकत बढ़ेगी तो हम जो 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 काम करना चाहेंगे हम काम करवा सकते हैं। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि तौफीक मियां को अल्लाह मियां हिम्मत दे, ताकत दे और सबके भलाई के काम करने में उनको तौफीक अता फरमाए। इतनी दुआ करते हुए मैं अपनी जगह। ताजा बातम्या पाहण्यासाठी प्राइम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा।